साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री की छटपटाहट बढ़ती ही जा रही है। जेल में जहन्नुम जैसी जिंदगी नवाब मलिक को रत्ती भर भी मंजूर नहीं है और जेल से रिहाई के लिए नवाब मलिक कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। और अब जेल से निकलने के लिए मलिक ने ऐसा दाव खेला है जो कि सीधे तौर पर ईडी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। नवाब मलिक अपनी रिहाई के लिए इतने उतावले हो चुके हैं कि वो अब साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से बस कोर्ट से अपनी रिहाई की परमिशन लेना चाहते हैं। मगर नवाब मलिक का दाव इस बार भी बेकार ही गया। नवाब मलिक ही नहीं बल्कि अनिल देशमुख का भी कोर्ट में दाव पूरी तरह उल्टा पड़ गया। हद तो तब हो गई जब जज साहब ने शायराना अंदाज में अनिल देशमुख की सारी हेकड़ी निकाल दी और साफ साफ कह दिया कि अभी तो जेल में ही रहना पड़ेगा। तो क्या हुआ कोर्ट में, क्यों मलिक के वकीलों ने तमाशा कर दिया और कैसे ईडी के गवाह पर सवाल खड़े कर दिए और क्यों जज को शायरी सुनाकर डांट तक लगानी पड़ी, तो आपको तफसील से सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कोर्ट रूम में हुए इस पूरे तमाशे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जब गुनाह करते हैं तो समझ में नहीं आता कि एक दिन जेल में इन सारे गुनाहों का हिसाब होगा। चोरी करने वाला चोरी करता है, डकैती करने वाला डकैती डालता है और जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए देश विरोधी गतिविधियां करते हैं उन्हें नहीं पता होता कि एक दिन उन्हें अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। तो नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि मंत्री रहते हुए भी उन्हें जेल में जाना पड़ेगा। अब अनिल देशमुख को 8 महीने से ज्यादा जेल में हो चुके हैं तो मलिक को 5 महीने हो चुके हैं और दोनों जेल से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। दोनों हर दिन जेल से निकलने के लिए एक नई तिकड़म लगा रहे हैं मगर कोर्ट में ऐसी तिकड़म एक कैसे बेदम होती है ये देखिए। तो पहले आपको अनिल देशमुख के बारे में बताते हैं जिन्हें कोर्ट में जज से शायराना अंदाज में डांट भी पड़ गई। तो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत नहीं मिल रही है। वसूली कांड में बुरी तरह फंसे देशमुख पिछले साल गिरफ्तार किए गए थे और तब से जेल में ही कैद हैं। कई मौकों पर कोर्ट के सामने उनकी जमानत याचिका आई लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अब एक बार फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने अनिल देशमुख की जमानत की याचिका आई है मगर इस बार कोर्ट के जज शायराना हो गए और देशमुख के वकील को शायराना अंदाज में डांट भी लगा दी। दरअसल कोर्ट में सुनवाई के दौरान अनिल देशमुख के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि उन्हें अपने क्लाइंट की रिहाई जल्द चाहिए क्योंकि उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है। वो कभी भी ब्लैकआउट हो जाते हैं, वो जेल में कई दफा बेहोश होकर गिर भी चुके हैं। तो इस बार ईडी के एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर आपने अपनी जमानत याचिका में एक बार भी मेडिकल ग्राउंड का जिक्र क्यों नहीं किया। अब ईडी के वकील के सवाल पर देशमुख के वकील विक्रम चौधरी बुरी तरह फंस गए क्योंकि वाकई में देशमुख की याचिका में वो सारी बातें है ही नहीं जो कि वकील कोर्ट को बता रहे हैं। अब कोर्ट में देशमुख के वकील की हालत देखकर जस्टिस चौहान की हंसी छूट गई और उन्होंने अपने जवाब में एक शायरी सुना दी। दरअसल इसी बहस के दौरान जस्टिस पृथ्वीराज चौहान को एक शायरी याद आ गई। ये शायरी असल में मुगलों के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के लिए लिखी गई थी। जस्टिस चौहान ने विक्रम चौधरी की तरफ देखते हुए कहा, उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरजू में कट गए और 2 इंतजार में, कितना है बदनसीब जफर दफ के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कूचा ए यार में। इसके बाद थोड़ी देर तक तो देशमुख के वकील की बोलती बंद हो गई। बस वो इतना ही बोल पाए कि जमानत के इंतजार में साल निकलता जा रहा है। हालांकि यहां पर कोर्ट रूम में देशमुख के वकील की एक नहीं चल पाई। कोर्ट ने बिना किसी फैसले के ही केस की तारीख को 10 अगस्त तक के लिए टाल दिया। यानी अब 10 अगस्त को देशमुख की जमानत पर एक बार फिर से सुनवाई होगी और 10 अगस्त तक तो देशमुख को जेल में रहना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक की बात करें तो नवाब मलिक के मामले में भी कोर्ट में वकीलों ने खूब दाव चले। मलिक की रिहाई के लिए मलिक के वकील पूरी जोर आजमाइश करते दिखे। यहां तक कि मलिक के वकील अमित देसाई ने ईडी के गवाह पर भी सवाल उठा दिए। जेल में बंद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक के वकील ने विशेष अदालत से कहा
कि ये एक दुर्लभ केस है जिसमें उम्र कैद की सजा काट रहा एक दोषी 28 साल से जनप्रतिनिधि रहे व्यक्ति के खिलाफ जांच एजेंसी का सर्वाधिक विश्वसनीय गवाह है। मलिक के वकील अमित देसाई ने कहा, मलिक के खिलाफ मामले में ईडी मुनीरा प्लम्बर और सरदार खान के बयानों पर निर्भर है। खान को मुंबई में 1993 में हुए धमाकों में उसकी भूमिका को लेकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और वो उम्र कैद काट रहा है। मलिक के वकील अमित देसाई ने मलिक की जमानत के लिए दलील देते हुए कहा, ईडी को क्या कोई बेहतर गवाह नहीं मिल सका जिसमें उम्र कैद की सजा काट रहा एक दोषी 28 साल से जनप्रतिनिधि रहे व्यक्ति के खिलाफ जांच एजेंसी का सर्वाधिक विश्वसनीय गवाह है। हालांकि ईडी पर सवाल उठाकर भी मलिक या मलिक के वकील को कोर्ट की तरफ से किसी भी तरह की राहत नहीं मिली। कोर्ट ने सिर्फ इतना ही कहा कि गवाह कोई भी हो सकता है, बस फर्क इस बात का पड़ता है कि उसकी गवाही में कितना दम है, कितना सच है। कुल मिलाकर कोर्ट की तरफ से ना तो नवाब मलिक को और ना ही अनिल देशमुख को जमानत दी गई। दोनों आरोपी के वकीलों की तमाम दलीलें कोर्ट के सामने बेकार ही गई। तो आपको क्या लगता है, कोर्ट में ईडी पर सवाल उठाकर या फिर तरह तरह की बहानेबाजी बनाकर कोर्ट को गुमराह किया जा सकता है और जेल से बाहर आया जा सकता है? मलिक और देशमुख की हालत पर आप भी अपने कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो संजय दत्त ने अपनी जिंदगी में अच्छे से अच्छा वक्त भी देखा है और बुरे से बुरा दौर भी झेला है। अनगिनत अफेयर, 3-3 शादियां, ड्रग्स, हथियार, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, जेल, कोर्ट कचहरी और कैंसर से लेकर वो तमाम दौर से संजय दत्त गुजर चुके हैं जिसकी कल्पना मात्र से ही आम इंसान को डर लग जाए। वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त ने एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में भी दी है। सड़क, वास्तव और मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्में संजय दत्त के करियर के लिए काफी अहम साबित हुई। फिलहाल तो संजय दत्त को शमशेरा से काफी उम्मीदें थी क्योंकि शमशेरा के लिए संजू बाबा ने जी तोड़ मेहनत की थी और संजय दत्त की माने तो फिल्म बनी भी बेहद शानदार है, मगर फिर भी दर्शकों ने शमशेरा को बुरी तरह नकार दिया। शमशेरा बॉलीवुड की एक और डिजास्टर साबित हो गई। भले ही फिल्म को लीड रणबीर कपूर ने किया, मगर शमशेरा में संजय दत्त का रोल रणबीर कपूर पर पूरी तरह हावी नजर आया। बिग बजट की फिल्म का बुरी तरह फ्लॉप होना वाकई में बेहद तकलीफ देह होता है और प्रोड्यूसर्स को कई बार सड़क पर भी ले आता है। आलम तो ये है कि बड़े बजट की ये फिल्म अपनी लागत की कमाई भी निकालने के लिए बॉक्स ऑफिस पर तरसती नजर आ रही है। ऐसे में फिल्म शमशेरा के फ्लॉप होने पर संजय दत्त का दर्द बुरी तरह छलक आया। संजय दत्त ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के फ्लॉप होने पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया। उन्होंने फिल्म को मेहनत का प्यार बताया जिसे खून, पसीना और आंसू से बनाया गया है। संजय दत्त ने अपनी पोस्ट में लिखा, शमशेरा से बहुत से लोग नफरत कर रहे हैं। कुछ नफरत ऐसे लोगों से भी आई है जिन्होंने फिल्म को अभी तक देखा भी नहीं है। मुझे ये भयानक लगता है कि लोग हमारे तरफ से की गई कड़ी मेहनत का सम्मान तक नहीं कर रहे। संजय दत्त ने अपनी पोस्ट में बताया कि निर्देशक करण मल्होत्रा उन सबसे मेहनती निर्देशकों में से एक है जिनके साथ उन्होंने अब तक काम किया है और इस वक्त जब करण मल्होत्रा बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो वो उनके साथ खड़े हैं। संजय दत्त ने आगे लिखा, मैं एक फिल्म निर्माता के रूप में और ज्यादातर एक इंसान के रूप में करण की तारीफ करता हूँ। वो अपने 4 दशकों के लंबे करियर में मेरे साथ काम करने वाले सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों में से एक हैं।